आर वॉचिंग FNI न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। महालक्ष्मी वरदान दिवस पर शुरू की गई हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 26 दिसंबर यानी मंगलवार को अशोक विहार फेज 1 के डी ब्लॉक के महाराजा अग्रसेन भवन में महालक्ष्मी वरदान दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं। अग्रवाल समाज के इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाने का ख्याल हमें कैसे आया, बता रहे हैं क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी श्री बीपी गर्ग। एक बार मैं निगमबोध घाट किसी अपने एक परिचित की दाह संस्कार से वापस लौट रहा था। पता नहीं अचानक मुझे क्यों ऐसा लगा, शायद महालक्ष्मी ने मुझे प्रेरणा दी कि महालक्ष्मी वरदान पर एक आयोजन किया जाए। इस आयोजन के लिए मैंने वहीं से भाई साहब राम गोपाल बेदिल जी को फ़ोन किया और पूछा कि महालक्ष्मी वरदान दिवस कब होता है। भाई साहब ने मुझे 5 मिनट के बाद बताया कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को महालक्ष्मी जी ने महाराजा अग्रसेन जी को वरदान दिया था, जो उस साल 2018 में 22 दिसंबर को होता था। उस दिन मैंने का था, मैंने भाई साहब को रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब इस दिन हम 3 दिन का महालक्ष्मी वरदान पर्व मनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा 3 दिन की एक अग्रभागवत कथा भी की जाए और 3 दिन का महालक्ष्मी पर्व मनाया जाए। भाई साहब शहर स्वीकार कर लिया और मैंने भाई साहब से स्वीकृति लेकर के एक व्हाट्सअप बनाकर जो मेरे ग्रुप में शामिल थे उन सब लोगों को मैंने व्हाट्सअप डाल दिया और ये कहते हुए कि महर्षि बेदिल जी, महर्षि रामगोपाल बेदिल जी इस अग्रभागवत का पूरा व्यासपीठ पर बैठेंगे और वो खुद अपनी वाणी से हमें सुनाएंगे। बड़ी चर्चा फैल गई। चांस की बात है कि मुझे उस वक्त 18 दिन के लिए यूरोप टूर पर जाना था और मैं यूरोप टूर पे चला गया। पीछे से बहुत लोगों के फ़ोन आए, मेरे पुत्र अमित गर्ग को भी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, बेदिल जी जी से भी पूछा कि ये क्या प्रोग्राम है। सभी लोगों ने अपनी असमर्थता जाहिर की क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। ये सब महालक्ष्मी के कहने के मुताबिक शायद अपने आप ही हुआ था। मैंने भी नहीं सोचा था कि क्या प्रोग्राम होने वाला है और क्या होने वाला है। खैर, उसी टाइम 18 दिन के बाद जब मैं इंडिया वापस लौटा तो लोगों ने मुझसे चर्चा की, मैंने भी बेदिल जी से बात करके इसकी आगे की रूपरेखा तैयार की। पहले हमने प्लान किया कि तालकटोरा स्टेडियम में प्लान किया जाए, फिर कई एक जगह कश्मीरी गेट पर इसका प्लान किया जाए। सब चीज़ों को देख करके फाइनल स्टेज ये आई कि इसको हमने रोहिणी में 21, 22, 23 दिसंबर 2018 का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे साथ हमारे काफ़ी पुराने मित्र इसमें साथ लगे। सबसे पहले हमारे साथ इसमें BL गुप्ता जी जो CA हैं, शक्तिनगर एक्सटेंशन में रहते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट हुआ। उसके बाद नथुराम जैन जी जो रोहिणी में रहते हैं वो हमारे साथ जुड़े। उसके बाद BK गुप्ता जी जो सत्यवती कॉलोनी में रहते हैं वो हमारे साथ जुड़े। उसके बाद गोपाल गोयल जी हमारे साथ जुड़े जो अशोक विहार में मेरे साथ ही रहते हैं। इसके बाद गोपाल शरण गर्ग जी जो अग्रवाल सम्मेलन के प्रधान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। इस तरह से इस प्रोग्राम को बहुत भव्य रूप में हमने लिया। ये प्रोग्राम YouTube चैनल पर भी चला और साधना चैनल पर भी इस प्रोग्राम को हमने डायरेक्ट टेलीकास्ट किया। इस प्रोग्राम में देश विदेश से लोग आए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको सुना और बहुत प्रभावित हुए। इस बार हम महालक्ष्मी वरदान दिवस
26 दिसंबर को मना रहे हैं जो मार्ग सिक्स की पूर्णिमा के दिन होता है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और आगे आगे अभी तक सबसे पहले अशोक गर्ग और हमारे अनिल गुप्ता जी घी वाले हमारे साथ जुड़े हैं। आगे बहुत से लोग अभी जुड़ने वाले हैं, हम उन सब से बात करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ ये महालक्ष्मी वरदान दिवस हर समाज के हर आदमी के लिए बहुत अच्छा है और इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस तरह से ये महालक्ष्मी वरदान दिवस और महालक्ष्मी पर्व का स्टार्ट होता है, ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी उपलब्धि है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपको बताएंगे महालक्ष्मी द्वारा महाराजा अग्रसेन जी को दिए गए वरदानों के बारे में।